हॅलो, या दरम्यान आमचे प्रमुख पाहुणे भोपाल मानकामे साहेबांना मी विनंती करतो की आपण मॅन ऑफ द मॅच मानकरी ठरलाय आदित्य भास्कर, ज्याला मी म्हटला होता पहिल्यांदा बघितल्यानंतर की कोणी त्याच्या प्रेमात पडावं, एवढा सुंदर मुलगा आहे, फॉरेन रिटर्न असं नाव दिलं होतं त्याला. या आपण आदित्य, धावत यायचा लवकर आदित्य भास्कर, चला या कामडे संघाचा संघाने, चला फलंदाज मैदानावर. माझी गाव देवी सत्वाची, माझी गाव देवी सत्वाची, या आहे नेरेया गावाची, आहे नेरेया गावाची, आहे नेरेया गावाची. माझी माऊली श्री साऊली, माझी माऊली श्री साऊली, हा अनिल बनु माझा फुले चरणावर वाई, हा अनिल बनु माझा फुले चरणावर वाई. अरे पाठीशी उभी राही आम्हाला भीती कुणाची नाही, आमच्या पाठीशी उभी राही आम्हाला भीती कुणाची नाही, पाठीशी उभी राही आम्हाला भीती कुणाची नाही. शुक्रिया पर्रा एकनाथजी मालेन ग्रुप पर हमारे आदरणीय मेहमान हमारे आयोजक अनिल पाटील साहेब सप्रेम भेट पाशीर धन्यवाद. मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पर आदित्य मस्कर मौजूद है और आदित्य के लिए राजशेट संजय पाटिल पंचायत समिति सदस्य, इनके माध्यम से 1000 रुपए का इनाम है और प्रवीण स्वर्गे बाली इनके लिए भी 1000 रुपए का इनाम, दो छक्के इस मुकाबले में लगाए थे. मैदान के अंदर हम जाएंगे दोस्तों, जबरदस्त मुकाबला. हेलो, या दरम्यान मैदानावर ज्यांचं आगमन झालंय ते नेमबाजीमध्ये ज्यांना या देशातच नव्हे तर आखाती देशामध्ये जाऊन या नेरे गावाचं नाव ज्यांनी नेमबाजीमध्ये उज्ज्वल केलंय असं किसन खारके साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालं. मी त्यांना विनंती करतो की आपण मंचावर यावं. आदित्य जायचं नाही, आदित्य आदित्य मस्कर. हॅलो हॅलो माली साहेब, तुमची वेळ आता संपलेली आहे, समालोचकांची वेळ सुरू झालेली आहे, तुम्हाला ही संधी वेळोवेळ मिळणार आहे. तो बिल्कुल या पर शुक्रिया महेश मात्रे सर. मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे दोस्तों, बड़ा मुकाबला, बिग फाइट बिटवीन द टू टीम्स मैदान के अंदर हम देखेंगे. मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे, पहली गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक, पहली गेंद के ऊपर चौका, पार कसम मार लई रे चौकार, मैदान के अंदर छाएंगे दोस्तों. आकाश गिरी जिन्हें रफ्तार का सौदागर कहा जाता है, कालुंद्रे क्रिकेट टीम का कामोटी क्रिकेट टीम के खिलाफ परेश मात्रे के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका हम देख सकते. चार ओवर का मुकाबला, जो भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल में अपना मुकाबला रीस क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलेगी. और मैदान के अंदर हम देख सकते चौके का प्रेशर यहाँ पर रिलीज करते हुए बल्लेबाज के ऊपर से, यकीन हमने देखा था अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई, अतिरिक्त रन से रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 5 रनों की पारी पहुंच चुके हैं. 24 गेंदों में इस कालुंद्र क्रिकेट टीम के सामने कितने रनों का टारगेट होगा और कितने रनों की चुनौती होगी. इसी बीच बल्ले के पीछे बीच गेंद आई थी, गेंद सीमा पार, लंबा छक्का. यास दरमियान उसरली नाइट स्पर्धेचे आयोजक गावदेवी क्रिकेट संघ उसरलीच्या वतीने उसरली गाव मध्ये आपण नाईट स्पर्धा पाहतोय. त्याचे यशस्वी आयोजक नितीन शेठ भगत साहेब यांना आमच्या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक अनिल पाटील साहेब यांच्या वतीने त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे. जाऊया सामन्याकडे, मैदान के अंदर जाएंगे. पहली गेंद के ऊपर चौका देखा था, उसके बाद गेंदबाज के ऊपर प्रेशर हमने देखा था और इस गेंद के ऊपर भी लंबा छक्का. क्या कमाल की यहाँ पर शुरुआत, शुरुआती दौर में आकाश गिर जिनके माध्यम से यहाँ पर ओवर फेंकी जा रही थी और क्या कमाल की शुरुआत परेश मात्रे के बल्ले से हमने देखी. पहली गेंद के ऊपर चौका और उसके बाद हमने लंबा छक्का देखा था. मैदान के अंदर हम जाएंगे दोस्तों, इस गेंद के ऊपर रकट के इस गेंद को जानबूझकर खेला गया, ये स्ट्रोक सिंगल के लिए खेला गया था, 1 रन का इजाफा. बार क्या कामले के ऊपर स्ट्राइक रन के ऊपर आया था. कामोटी क्रिकेट टीम ने बड़े बड़े मुकाबले इस टूर्नामेंट में जीते थे. केगांव क्रिकेट टीम ने जिस इस प्रतियोगिता में 30 रन एक ओवर में चेस किए, केगांव क्रिकेट टीम को एक तरफा हराया था वहां पर जितेश मात्र और मैदान के अंदर हम यकीन जाएंगे गेंदबाज तैयार.
हाडे बल्ले से खेलने की कोशिश की थी। हमारे यहाँ पर मौजूद है यकीनन हमारे आरएस ग्रुप के मेंबर कालराम पाटिल वाजे से जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत। मैदान के अंदर हम जाएंगे, इस मर्तबा तैयार टीम का टोटल स्कोर जाकर पहुंचे 13 रनों के ऊपर। गेंदबाज करने के लिए तैयार आकाश गिरी ओवर द विकेट से बार क्या के लिए बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, वहां पर खिलाड़ी तैनात 23 की रन चिक्की सिंगल जिसे क्रिकेट के परिभाषा में कहा जाता है, बैकअप नहीं था। नतीजा हमारे सामने दो रनों का इजाफा, दो रनों की बढ़ोतरी, दो रनों की वृद्धि होती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रनों के ऊपर आसानी के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर बिना किसी जोखिम उठाए पहुंच चुके हैं। कामोटे क्रिकेट टीम कमाल की शुरुआत, 4 ओवर के मुकाबले में अच्छी शुरुआत होना बेहद जरूरी था, विस्फोटक शुरुआत होना बेहद जरूरी था और ये आतंक मचाया बल्लेबाजों ने। बल्लेबाजों की दादागिरी मैदान के अंदर महसूस करी जा सकती है। गेंदबाज तैयार आकाश गिरी इस मर्तबा गैप में धकेला, गेंद जा रही है वहां पर सीमा रेखा के नजदीक, जब तक गेंद को रोका जाता दूसरे का प्रयास, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच में अच्छी दौड़ यहां पर लगाई बल्लेबाजों ने। विकेटों के बीच में अच्छी दौड़ होना बेहद जरूरी है, पहला रन तेजी से लेना जरूरी था और कमाल की अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में, कमाल का नाता, कमाल का संबंध और रिश्ता निभाया था, एक दूसरे के बीच में भरोसा रखा था और दो रनों का इजाफा, टीम का टोटल स्कोर 17 रन। और क्या कमाल का कमबैक जो एक्शन दिखाया था 5 मिनट के ऊपर। बार क्या बैटमैन का मोटे वाला कसा फटक्या ना आउट झाला, फटक्या ना आउट झाला। बारक्या बॅटमनचा खेळ मी डोळ्याने पाहिलेला आहे बंधूंनो, खरोखर सांगतो अशा कितीतरी मॅच हरता हरता जिंकलेल्या आहेत त्यांनी, पण इथं निराशा झाली माझी। बारक्या बॅटमन कामोटेवाला पनवेल भागात फेमस झाला, पहिलंच गाणं रेकॉर्डिंग मी केलेलं आहे, क्रिकेट गीत तुम्हाला माहिती असेल, सुरुवातीला जेव्हा नवीनच क्रिकेटच्या कॅसेट जेव्हा निघाल्या क्रिकेट गीतांच्या, तेव्हा मी या बारक्या कामोटेचं पहिलंच गाणं बनवलं होतं। पण आता मला म्हणावासावं लागलंय की त्या फेमस झाला, फेमस आहे, पण इथे बारक्या बॅटमन का मोठे वाला फटक्यानं दांडी आउट झाला, दुसरा त्याच्या जागी कोण आला मला पण नाव सांगत जा। बिलकुल ह्या फॉर थँक्यू एकनाथ शिमालयन ग्रुप न्याय भलेपास मैदान के अंदर जितेश मात्रे मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। पहली ओवर की समाप्ति होती हुई आकाश गिरी जिसके ऊपर पूरी तरीके से प्रेशर डाला था 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक खिलाड़ी को जाने के बाद। इसी बीच वांगनी गांव के चुलबुल पांडे प्रणय दलवी इन सभी गुजारिश करते हैं आइए आप मंच के ऊपर, यकीनन यहां पर मौजूद है हमारे इस टूर्नामेंट के लाडले आयोजक अनिल शट पाटिल, इनके माध्यम से उनकी भी मेहमान नवाजी की जा रही है हमारे मंच के ऊपर, उनका भी बेशकीमती योगदान इस टूर्नामेंट के, उनके आने से इस टूर्नामेंट की आन बान शान और इज्जत और बढ़ चुकी है। मैदान के अंदर हम यकीनन लौटेंगे दोस्तों, गेंदबाज इस मर्तबा तैयार होंगे। प्रवीण खरत जिन्होंने पिछले मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन किया था वही गेंदबाज संभल कर खेला हुआ संभली हुई शुरुआत यहाँ पर परेश मात्रे जिन्होंने पहले ओवर में आतंक मचाया था, बड़े बड़े स्ट्रोक बल्ले से हमने देखे थे, लेकिन इस मर्तबा बारक्या के आउट हो जाने के बाद जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, भार बढ़ चुका है और इस भार को संभालने की यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और टीम का टोटल स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ 18 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुके हैं। कामोटे बनाम कालुंद्रे बिग फाइट, बड़ा मुकाबला, अहम मुकाबला, जो भी टीम जीतेगी यहां पर सेमीफिनाले में रिस क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना मुकाबला खेलेगी, यहां पर एक आपकी गलती इस टूर्नामेंट का बाहर का रास्ता दिखा सकती है। डू एंड डाई, करो या मरो का मुकाबला, क्योंकि यहां पर अभी करने दिखाने की बारी आ चुकी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस पार या उस पार की घड़ी दोनों क्रिकेट टीम के लिए। क्या कमाल की गेंद, इस मर्तबा रफ्तार हमने देखी थी, बल्लेबाज जितेश मात्रे के पारी का अंत। शुक्रिया पर निश्चित तौर पर मैदान के अंदर जाएंगे प्रवीण खरत, जबरदस्त गेंदबाजी उनके माध्यम से और आज अपनी किस्मत
घर से लिख कर है। पहले मुकाबले में हमने देखा था कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी, ताकतवर बल्लेबाजी हमने देखी थी, और इस मुकाबले में भी हम कमाल की गेंदबाजी एंजॉय करें। जबरदस्त मुकाबला चलता बा मैदान के अंदर हम जाएंगे। पहले ओवर में 17 जरूर बने थे। पहले ओवर में गेंदबाज की पिटाई हमने देखी थी, क्योंकि हमेशा कहते हैं दोस्तों, यकीनन फटे हुए कॉलर और पिटे हुए बॉलर जिनकी कोई इज्जत नहीं करता, और मैदान के अंदर आकाश गिरी जिनका रुतबा बेहद बड़ा था, लेकिन उसके बाद हमने जबरदस्त कमबैक देखा है प्रवीण घरत के माध्यम से। मैदान के अंदर हम जाएंगे पहली ओवर में 17। बिल्कुल इसी बीच श्री साई सेवा पदयात्रा मंडल नेरे के सदस्य रविंद्र जी गावड़े हमारे बीच में मौजूद है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं इस आन बान शान और शौकत से भरी टूर्नामेंट के माध्यम से। इसी बीच नंदन कानपिल कालुंद्रे क्रिकेट टीम के बिग सपोर्टर हमारे बीच में मौजूद है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैदान के अंदर जाएंगे दोस्तों, दर्शक अपने सीट छोड़ने के लिए राजी नहीं है। हमारे मंच के सामने बहुत सारे दर्शक हमने देखे और मैदान का कोना कोना दर्शकों से भरा हुआ है। इतनी कड़ी टूर्नामेंट और इतनी बड़ी टूर्नामेंट हम देख सकते हैं, और दर्शकों का यहाँ पर पूरी तरीके से तांता पिछले 5 रातों से लगा हुआ है। यकीनन हमारे मंच के ऊपर मौजूद हमारे आदरणीय मेहमान श्री साई सेवा पदयात्रा मंडल के सदस्य रविंद्र जी गावड़े हमारे बीच में मौजूद है, उनकी भी मेहमान नवाजी, हमारे लाडले आयोजक, इस टूर्नामेंट का साकार करने का सपना जिन्होंने सजाया था उस सपने को साकार करते हुए देख रहे आदरणीय अनिल शेठ पाटिल, जिनके माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट को लाइव कवरेज भी किया जा रहा है जील नेट सर्विस, जिनके माध्यम से नेट की सुविधा यहां पर हम देख सकते हैं। उनके नीलेश पाटिल, सक्काराम गायकर, महेश पाटिल, जिनका भी हम स्वागत करते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से। गीतेश पाटिल, जिल केबल एंड नेटवर्क सर्विस, जिनके माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध कराई थी, उनका भी स्वागत है। मैदान के अंदर जाएंगे दोस्तों, लगातार सफलता यहाँ पर मिलती हुई, और हम देख सकते स्कोर कार्ड के ऊपर रुका हुआ स्कोर 19 रन, 4 गेंदे गुजर चुके प्रवीण गरत की, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक हम देखेंगे। टीम का टोटल स्कोर 19 रन, यहाँ पर कामोडे क्रिकेट टीम के पारी को ग्रहण लग चुका है, जहां पर हम देख सकते मंच के सामने बड़ी बड़ी ट्रॉफीज, लगभग 7.5 फीट ऊंचाई की ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर करी थी सागर गौते, रुपेश गौते जिनके माध्यम से, दत्तात्रेय जी गौते, सागर गौते जिनके माध्यम से कई सारी ट्रॉफीज, जब भी समय मिलेगा हम जरूर चर्चा करेंगे उन सभी का भी, जिन्होंने बेशकीमती पैसा इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए लगाया, उन सभी का हम स्वागत करते हैं दोस्तों इस टूर्नामेंट से। और मैदान के अंदर इस खूबसूरत रजनी में, इस खूबसूरत रात में दिल दहलाने वाले मुकाबले में हम लौट चलते हैं। पहले ओवर में 17 हमने देखे थे, दूसरे ओवर में प्रवीण घरत ने खतरा यहां पर देखा था कामोटे क्रिकेट टीम के ऊपर, और 2 सफलता उनके नाम के ऊपर, 19 रन 3 खिलाड़ी को जाने के बाद कामोटे क्रिकेट टीम 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। ऑन स्ट्राइक बल्लेबाज परेश मात्रे, नीलेश वहां पर मौजूद है, स्विप किया था इस गेंद को लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, जब तक गेंद को फील्ड करा जाता दूसरे की कोशिश जरूर की गई थी, सिर्फ सिंगल, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है, और 1 रन के मदद से 2-0 20 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुके हैं। आकाश गिरी जिनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया था 70 रन लुटाए थे, और जहां पर उसने नैया डुबा दी, क्योंकि हमेशा कहते हैं दोस्तों दिल ने जिसे चाहता जान से भी ज्यादा, और वही रुलाते हैं मैं सबसे ज्यादा, और 17 रन हमने देखे थे। लेकिन दूसरे ओवर में 3 सिंगल 2 बड़े विकेट हमने देखे, और कमाल का कमबैक करते हुए प्रवीण गरत जिनके नाम से टीम जानी जाती है, और यहां पर यह रात भी जिनके नाम से जानी जाएगी, प्रवीण गरत पूरी तरीके से सहयोग देते हुए मदद करते हुए, बीच बॉल में नैया फंस चुकी थी, वहां से किनारे तक लाने में कमाल का योगदान, कट किया था इस गेंद को जानबूझकर खेला गया, सिंगल चुराना चाहते थे, 1 रन का इजाफा, 2 ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 21, 21 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। ओवर टू कंटिन्यू एकनाथ हिमालयन ग्रुप। अरे नवन 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 विनायक पाटलांच्या नवन 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 मिलिंद पाटलाच्या नावान स्मृती चषक हा केला आयोजित, स्मृती चषक हा केला आयोजित, अनिल पाटील ह्या बांधवान, ए नावान 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 विनायक पाटलाच्या नावान, नावान 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 विनायक पाटलाच्या नावान, नावान नावान नावान।
एक निश्चित तौर पर रहा जिन्होंने सपने देखे थे इस मुकाबले को सफल करने के लिए हमारे लाडले आयोजक श्री साई बोरवेल के ओनर श्री साई सेवा पद यात्रा मंडल के अध्यक्ष अनिल शेठ पाटिल के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों माध्यम से कमाल की टूर्नामेंट। तो बिल्कुल इसी बीच सुधीर पाटिल जिनसे भी हम गुजारिश करते हैं आप मंच के ऊपर यहाँ पर आपको यकीनन यहाँ से प्रतियोगिता को एंजॉय करना है। मैदान के अंदर हम जाएंगे बच्चे व बूढ़े जहाँ पर सभी नौजवान इस प्रतियोगिता को एंजॉय करते हुए ये क्रिकेट के प्रति चाहत है दोस्तों, ये क्रिकेट के प्रति प्यार है, ये क्रिकेट के प्रति मोहब्बत है जो पूरे घर से सभी दर्शकों को खींच के इस टूर्नामेंट में लाई है। लाइव टूर्नामेंट भी जारी है लेकिन फिर भी लाइव यहाँ पर एंजॉय करते हुए इस टूर्नामेंट को विजयलक्ष्मी मैदान के ऊपर सभी का हम स्वागत करेंगे क्योंकि दर्शकों के बिना इस टूर्नामेंट को सफल बनाया नहीं जा सकता। अभी तो हम छोटे दोस्तों, अभी तो हम कॉमेंट्री सीख रहे हैं लेकिन दर्शकों के बिना टूर्नामेंट कभी सफल नहीं हो सकती ये हम दावे के साथ कह सकते। मैदान के अंदर हम जाएंगे रिवर्स स्ट्रोक खेला था, क्या कमाल की बल्लेबाजी, गेंद सीमा पार छक्का। अरे यो बैट्समैन हुक्मी एक्का 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 क्या नव तुंग मार लाई छक्का, क्या नव तुंग मार लाई छक्का। निश्चित तौर पर जो छक्का आया था मैदान के बाहर आईवा कैच भी लपका गया था, दर्शकों का भी मनोरंजन और उनका भी उत्साह यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। टीम का टोटल स्कोर पहुंचता है 27, 27 रन, तीसरे अंपायर की मांग यहाँ पर की जा रही है। जिस भी दर्शक ने आईवा कैच लपकी है उनसे गुजारिश करते आइए आप मंच के ऊपर हमारे इस टूर्नामेंट के लाडले आयोजक अनिल शेठ पाटिल जिनके माध्यम से 200 रुपए का नगद इनाम है आपके लिए। तो बिल्कुल कामोटे क्रिकेट टीम के बिग सपोर्टर गणेश जी नाइक इनके माध्यम से यदि इस गेंद के ऊपर एक और छक्का आता है तो यकीनन परेश मात्रे के लिए 1000 रुपए का इनाम है, बम्पर प्राइज यहाँ पर दिया जा रहा है। मैदान के बाहर से आत्मविश्वास, पर्दे के पीछे का किरदार यकीनन निभाए जा रहे हैं। इसे घायला स्टेज वर आईला बक्षी से घायला स्टेज वर आईला आई वा क्या चुवाला शुक्रिया एकनाथ जी मालियन कंपनी। कौन बोलना रहे बोलने भाई ना। तो बिल्कुल यहाँ पर कमाल की टाइमिंग हम बल्लेबाजी में क्रिकेट में देखते हैं और एकनाथ माली इनकी भी जबरदस्त टाइमिंग। एकनाथ जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां दोस्तों सबका मनोरंजन करते हुए। मैदान के अंदर हम जाएंगे, टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28, 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। इस ओवर की बात करेंगे सनी गरत की, क्या कमाल का योगदान अभी तक रहा है, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन पूरी रात में हमने देखा है लेकिन यहां पर भी अच्छी सोच के साथ मैदान के अंदर गेंदबाजी करी जा रही है। पहली गेंद के ऊपर छक्का जरूर आया था लेकिन उसके बाद एक्शन का रिएक्शन भी हमने देखा था, रिवर्स स्ट्रोक गेंद सीमा पार एक और चौका, चेंडू गेला ए सीमा पार मारा सनसनीत चौका, शुक्रिया एकनाथ जी माले कंपनी। निश्चित तौर पर सभी का एंटरटेनमेंट करते हुए क्रिकेट को हमेशा एंटरटेनमेंट कहा जाता है क्योंकि दर्शकों को कोई फर्क नहीं गिरता कौन सी टीम मैदान के अंदर लड़ रही है खेल रही है, वो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहते हैं एंड दिस इज एंटरटेनमेंट। और यहाँ पर बम्पर प्राइज आता हुआ हमारे इस टूर्नामेंट के लाडले आयोजक अनिल शेठ पाटिल जो शांतता का संदेश देने वाला बलून हवा में छोड़ा गया, उस बलून हिट के लिए लगभग 10,000 रुपए का बम्पर प्राइज है। कौन जीतेगा वो 10,000 रुपए, कौन करेगा बलून हिट, बम्पर प्राइज यहाँ पर दिया जा रहा है। हर एक रात में उस प्राइज को बढ़ाया गया था और आज ये प्राइज कैश प्राइज 10,000 रुपए तक पहुंच चुका है। गेंदबाज इस मरतबा तैयार सनी घरत, बार बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश करी थी लेकिन हर दिन दसरा दिवाली नहीं होती, एक दिन अमावस की रात भी आती है दोस्तों और क्या इस गेंद के ऊपर वो रात थी, हवा में गेंद काफी देर तक ले रही थी। तीन खिलाड़ी जिसे कहा जाते तीन का तिगड़ा काम बिगड़ा, काम बिगड़ चुका था, जस्ट वन रन देयर, एक दो रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 34, 34 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। अच्छी कोशिश यहां पर की जा रही थी सनी के माध्यम से लेकिन यहां पर रोक के रखा है और पूरी तरीके से नजरें जमाते हुए
बल्लेबाज बार बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश करी जा रही है। क्रिकेट के परिभाषा में स्ट्रोक को हमेशा जुआ कहा गया है दोस्तों, और इस जुए को भगवत गीता में और कुरान में हमेशा हराम कहा गया है, और वही काम किया था बल्लेबाजों ने। इस मरतबा सिर्फ सिंगल मिला, लेग 22 का एक रन आता हुआ यहाँ पर तीसरे ओवर की पांचवी गेंद के ऊपर एक सिंगल जरूर मिला। टीम का टोटल स्कोर जाकर पहुंचा है 35 रनों के ऊपर पारी पहुंच गए जनमान कामोटे क्रिकेट टीम। तो दूसरी तरफ खेलती हुई मंगल मूर्ति कालुंद्रे, कौन जीते गए बाजी, किन के सपने होंगे साकार और किन के सपने बिखर जाएंगे, कौन सी टीम मनाएगी आज की रात जश्न की रात और कौन मनाएगी मातम, बहुत सारे सवाल बने हुए, जवाब ढूंढेंगे मैदान के अंदर। आखिरी गेंद लेकर सनी गरज तैयार। अच्छा स्ट्रोक वहां पर गैप में गेंद को धकेला है, कमाल की टाइमिंग तकनीक दिखाई थी, गेंद सीमा पर चौका, 3 ओवर की समाप्ति 39-39 रन। शंकर घनसोलकर यांच्याकडे सप्लिमेंट 200 रुपये धन्यवाद। मैदान के अंदर हम यह खेलने जाएंगे, पहले ओवर में 17, दूसरे ओवर में 4, तीसरे ओवर में भी हमने 17 देखे दिया और 17 का कचरा बन रहा था वह यहां पर कालुंद्रे क्रिकेट टीम के ऊपर हम देख सकते हैं। 3 ओवर गुजर चुके, 13 के औसत से रन बने 39-39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने हुए, 13 की औसत अब तक बरकरार रखी। 2 ओवर में यकीनन 17-17 रन बटोरे थे, लेकिन दूसरे ओवर में प्रवीण घरत की जादूगरी, उनके उंगलियों की जादू हमने देखी थी और पूरी तरीके से धोखा दिया था बल्लेबाज को। धोखा देना भी एक कला है दोस्तों, लेकिन हर कोई कलाकार नहीं होता, और कलाकार ट्रॉफी एकनाथ जी माली जिनके माध्यम से हमने केवाले के मैदान के ऊपर यकीनन देखी थी। मैदान के अंदर जाएंगे, उनके बारे में भी चर्चा हम जरूर करेंगे। पहली 3 ओवर गुजर चुके हैं और 3 ओवर के समाप्ति के बाद 39 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा मुकाबला स्पीड अप करने खिलाड़ियों से हम विनती करते हैं, क्योंकि घड़ी की ओर नजर डालेंगे, 12:29 एग्जैक्टली हो चुके हैं और इस मुकाबले के बाद एक सेमीफाइनल और उसके बाद ग्रैंड फिनाले आने वाला है। तो कुछ ही क्षणों में इस प्रतियोगिता का विजेता हमारे सामने आएगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और दर्शक आस लगाकर बैठे अपेक्षा करें। 12:30 रात के बज चुके हैं, लेकिन फिर भी दर्शक अपनी सीट अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। क्रिकेट के प्रति लगाव पूरे तरीके से महसूस करा जा सकते हैं। आखिरी गेंदबाज प्रवीण जगदाले इस मरतबा तैनात है। जोरदार अपील जरूर हुई थी, लेकिन इस अपील में यकीनन उत्साह ज्यादा था, विश्वास नहीं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं दोस्तों, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत जान की नहीं सांस की होती है। ये तो बहुत रिश्ते बनते हैं दुनिया में, लेकिन कीमत रिश्तों की नहीं विश्वास की होती है, और यही विश्वास आपको रखना होगा मैदान के अंदर, आत्मविश्वास आपको रखना होगा, पॉजिटिव रवैया, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच आपको मैदान के अंदर रखनी होगी। हम रन बना सकते हैं, हम रन रोक सकते हैं, क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है दोस्तों, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। कौन बचाएगा इस डूबते नैया को कालुंद्रे क्रिकेट टीम के, क्योंकि यदि इस ओवर में रन बनेंगे 15-20 तो मुश्किलात में घिर सकते। गेंदबाज तैयार, प्रवीण जगदाले की यह गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, या पर सादा था लेग 22 का एक रन आता था, एक रन के मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 4-0, 40 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुके। परेश मात्रे की बात करेंगे हमारे स्कोरर वैभव पाटिल और रोशन गौते हमें जानकारी देते हुए कि परेश मात्रे की बात करेंगे, 9 गेंदे जिन्होंने खेली है, 24 रनों का बेशकीमती योगदान जिनके माध्यम से, और कमाल की बल्लेबाजी बारक्या के फेल होने के बाद यहां पर अपने टीम की नैया किनारे पर लाने की कोशिश उनके माध्यम से जरूर की गई है। गेंदबाज तैयार प्रवीण जगदाले, अच्छा स्ट्रोक गैप में गेंद को धकेला है, गेंद सीमा पार, एक और चौका परेश के नाम। शुक्रिया पर मैदान के अंदर हम यकीनन चाहेंगे दोस्तों, जबरदस्त बल्लेबाजी चलती हुई और आज की रात में
जिनके साथ मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला, जहां पर हमारे रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप पाटिल सर मुरबी से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। निश्चित तौर पर हमारे रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष महेश मात्रे सर भी हमारे साथ मौजूद है, बाबू मात्रे सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और एक चौका यदि लगता है तो गणेश जी नाइक, जिनके माध्यम से 1000 रुपए का इनाम है परेश मात्रे के लिए। आत्मविश्वास बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि महाभारत में भी हमने देखा था भगवान श्री कृष्ण कभी हथियार नहीं उठाए, लेकिन उनके मार्गदर्शन के बिना अर्जुन को युद्ध जीतना बिल्कुल नामुमकिन था। पर्दे का पीछे का किरदार हमेशा, कौन सा भी क्षेत्र हो, पर्दे का पीछे का किरदार हमेशा अहम होता है, और वही किरदार निभाते हुए सभी हमारे आदरणीय मेहमान और सभी समर्थक इस मरतबा चौका नहीं यस छक्का है मैदान के अंदर परेश मात्रे के बल्ले से। तो बिल्कुल एक और छक्का आएगा, शुक्रिया पर एकनाथ जी माली एंड कंपनी, और इसी छक्के की मदद से जो हनुमान कामोटी क्रिकेट टीम पहुंच चुके हैं 5-0, 50 रन कंप्लीट, कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर। एक और छक्का आएगा तो 1000 रुपए का इनाम है गणेश जी नाइक, कामोटी क्रिकेट टीम के समर्थक, जिनके माध्यम से यह अवार्ड दिया जाएगा। दो गेंदों का आना अभी भी बाकी है। अच्छा स्ट्रोक, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम है, हवा में गेंद काफी देर तक ले रही थी, परेश चिकलेकर सेफ एंड बल्लेबाज परेश मात्रे के बारी का। निश्चित तौर पर मैदान के अंदर जाएंगे पूरी तरीके से एंजॉय करते हुए सभी समर्थक, और हमारे वाजा गांव से आरियस ग्रुप, आरियस मतलब दोस्तों रॉयल स्टैग ग्रुप, जिनके ग्रुप का नाम है, पूरी तरीके से एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को। मैदान के अंदर हम जाएंगे दोस्तों, आखिर अंतिम गेंद फेंकने के लिए तैयार है प्रवीण जगदाले, स्कोर कार्ड के ऊपर 50 रन, कमाल की तेजी रफ्तार हमने देखी थी, सिर्फ सिंगल, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है, एक रन आता हुआ टीम का टोटल स्कोर 4 ओवर के समाप्ति के बाद हम देख सकते हैं 51 करा लगती है, और 52 रनों की आवश्यकता। और इस मुकाबले की दिलकश और दिल धड़काने वाली कहानी लेकर आपके सामने रूबरू होंगे हमारे रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के ठंडी उपाध्यक्ष, या पर रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष संदीप पाटिल सर मूर्ति, इनके पास हम लोग चले। ठंडी वाढत चाललेली आहे, 12:30 वाजून गेले, थंडी वाढत चालली आहे, जवळजवळ झोपायची वेळ आलेली आहे, जवळजवळ झोपायची वेळ आलेली आहे। गार गार थंडीचा महिना, माझ्या जीवाची होतई दैना, लोकगीत आहे, गार गार थंडीचा महिना, माझ्या जीवाची होतई दैना, गेली माहेरी माझी महिना, गेली माहेरी माझी महिना, महिने वाचून झोपत येईना, गेली माहेरी माझी महिना, महिने वाचून झोपत येईना, गेली माहेरी माझी महिना, महिने वाचून झोपत येईना। यो गार गार थंडीचा महिना, गार गार थंडीचा महिना, माझ्या जीवाची होतई दैना, गेली माहेरी माझी महिना, गेली माहेरी माझी महिना, महिने वाचून झोपत येईना, गेली माहेरी माझी महिना, महिने वाचून झोपत येईना, गेली माहेरी माझी महिना, महिने वाचून झोपत येईना। गेल्या पासून ती जीवाला लागलाय घोर, गेल्या पासून ती जीवाला लागलाय घोर, कधी येईल या मोराची लांडोर, कधी येईल या तिच्या वाचून जीव यो राहीना, माझी रात्र खुशीत जाईना, तिच्या वाचून जीव यो राहीना, माझी रात्र खुशीत जाईना, गेली माहेरी, गेली माहेरी माझी महिना, महिने वाचून झोपत येईना, गेली माहेरी माझी महिना, महिने वाचून झोपत येईना, गेली माहेरी माझी महिना, महिने वाचून झोपत येईना। दोन दिवसाचा वायदा करून गेली, दोन दिवसाचा वायदा करून गेली, झाला एक महिना, झाला एक महिना,
अजून कशी नाली तिला आठवण माझी का होईना तिला आठवण माझी का होईना कशी निरोप कुणाला देईना कशी निरोप कुणाला देईना गेली माहेरी माझी मैना गेली माहेरी माझी मैना महिने वाचून निश्चित या ठिकाणी झोप येणार नाहीये. आजच्या रात्रीला या स्पर्धेतून जे संघ बाहेर झालेले आहेत त्यांना झोप येणार नाही. लहान मुलं आहेत माली साहेब मनावर जवळजवळ झोपायची वेळ आलेली आहे. लहान मुलं आहेत मनावर जवळजवळ झोपायची वेळ झालेली आहे. हॅलो तर या ठिकाणी सर्व संघ नायकांना खेळाडूंना सूचना असणार आहे. ऐका जरा मॅन ऑफ द सिरीज साठी बाईक आहे पण ही बाईक ज्याला मिळेल जो खेळाडू जिंकेल एक धावेने जरी पुढे असेल तरी त्याला सिरीज मिळेल. पण ज्या गोलंदाजानं विकेट मिळवलेत त्याच्या 3 रन्स पकडल्या जातील कारण बॅट्समनला बेनिफिट काहीच नसतो ऑलराऊंडरला बेनिफिट असतो. म्हणून या ठिकाणी कमिटीने निर्णय घेतलाय विकेटसाठी 3 धावा असणार आहेत याची नोंद घ्यायची आहे. 1 धाव जरी जास्त ज्याची असेल त्याला सिरीज मिळणार आहे. ओके धन्यवाद महेश सर. तो बिल्कुल एक सही निर्णय यहाँ पर आयोजनकर्ताओं की तरफ से बिल्कुल अंपायर का इशारा आ चुका है और बिल्कुल सही सोच यहाँ पर क्योंकि आपकी टूर्नामेंट काफी बड़े है और सोच भी आपकी काफी बड़े है. अनिल शेठ का एक शानदार मंजर हम देख रहे हैं बिल्कुल कामयाबी का शिखर तय कर चुके हैं. लेकिन बीच मैदान की तरफ बढ़ते हैं. एक बिग फाइट मुकाबला सबसे हैरतअंगेज मुकाबला यहां से शुरू होने जा रहा है. कालुंद्रा विपक्ष कामोडा जीत के लिए तकरीबन 52 रनों की जरूरत. 4 ओवर का मुकाबला है. बीच बिल्कुल जिस तरह से बारक्या कामले की यानी कि विकेट गिरने के बाद जिस तरह से पारी को संभाला था परेश ने बिल्कुल लाजवाब परफॉर्मेंस दिया. परेश ने अपने टीम के लिए 11 गेंदों में 34 रनों की नायाब पारी खेली और बदौलत यहां पर परेश मात्रे की बदौलत बिल्कुल 51 के ऊपर टारगेट यहां पर पहुंचा पाई कामोटा टीम जीत के लिए. 52 का लक्ष्य परेश चिक लेकर ने इस गेंद को लो फुल टॉस गेंद थी बिल्कुल इस गेंद को दिशा देने का काम किया था लेकिन 1 रन महज मिले सिंगल. सिंगल के साथ परेश ने अपना निजी खाता खुला किया है. स्कोर कार्ड के ऊपर रन 1 से शुरुआत होते हुए ये मुकाबला जो है दोस्तों बिल्कुल मुकाबला अंतिम मोमेंट तक बिग फाइट दौरान बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरह से दोनों टीमों की ताकत देखी जाए तो ताकत काफी बराबर देखने को मिल रही है क्योंकि एक तरफ है यहां से लारा की नायब गेंदबाजी तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं प्रवीण घरत जिसे रॉस टेलर के नाम से जाना जाता है इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो परेश चिखलेकर पीछे नहीं है और ऐसे में देखा जाए तो लारा इस बीच अगेन और यहां से ये देखिए किस तरह से बिल्कुल इस गेंद को खेला था लॉन्ग ऑफ की तरफ शानदार नजाकत भरा स्ट्रोक 4 रनों के लिए. तो बिल्कुल यहां से फिर से एक बार लारा सामने वाले बस प्रवीण घरत इस बीच अगेन फिर से एक बार गैप निकालने की कोशिश थी लेकिन इस समय वहां पर खिलाड़ी तैनात है बिल्कुल जब तक रोशन वहां पर थे और ऐसे में 1 ही रन महज मिलेगी सिंगल और इस सिंगल के साथ स्कोर आ चुका है तकरीबन 6 रनों के ऊपर. गणेश नाई की तरफ से लगातार 2 विकेट के लिए 1000 का इनाम. विकास नाईक और गणेश नाईक की तरफ से बैक टू बैक 2 विकेट के लिए 1000 का इनाम. लेकिन ये देखिए यहां से डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश की थी लेकिन देखा जाए तो बिल्कुल प्रवीण घरत जगह के ऊपर रुके थे कि गेंद लगती या नहीं लेकिन यहां से देखा जाए तो गेंद तो नहीं लगी लेकिन ऐसे में डॉट गेंद भी यहां पर देखने को मिल चुकी है. 4 रन के बावजूद भी लाजवाब गेंदबाजी इस समय लारा के माध्यम से हो रही है. बिल्कुल देखा जाए तो 52 का पीछा करना है ऐसे में शुरुआत काफी अच्छी करनी होगी इस समय
कालुंद्रा टीम के लिए स्वीप के माध्यम से नजा के दिखाए क्या बात है लाजवाब क्लासिकल ड्राइव चार रनों के लिए सीमा पर मारला सनसनी चौकार दुगेलाए सीमा पर तो 10 रन इस वक्त आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। रनों की बात करें तो 52 का पीछा करना है, ऐसे में देखा जाए तो पहले ओवर में 10 रन, अभी भी 42 रनों की जरूरत इस समय इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो देखना यहां से मुकाबला काफी बिग फाइट के तरफ बढ़ रहा है देखा जाए तो जिस तरह से कालुंद्रा टीम विपक्ष सर कमडा के मुकाबला अपन ज्यांची आतुरतेने या ठिकाणी वाट पाहत होतो त्यांचा या ठिकाणी थोड्याच वेळेमध्ये आगमन होणार आहे। पनवेलचे कार्य सम्राट आमदार प्रशांत दादा ठाकूर यांचे या ठिकाणी थोड्याच वेळेमध्ये आगमन होणार आहे। बिल्कुल उनके काफी यहाँ पर जयत तैयारी हो रही है, फटाखों के आतिशबाजी होगी इस निश्चित रूप में उनके आने में। देखा जाए तो जिस तरह से इस टूर्नामेंट हम देख रहे हैं अनिल शेठ पाटिल इनके माध्यम से पूरे सहयोगी उनके जिनका काफी बड़ा यहाँ पर शानदार प्रयास। इस बीच बार क्या काम ले सामने बल्लेबाज प्रवीण, प्रवीण की गेंद यहां से देखा जाए तो कवर खेला था लेकिन लॉन्ग ऑफ की तरफ इस गेंद को जाकर रोकने का प्रयास किया। एक ही रन मैच मिल सकती है सिंगल और सिंगल के साथ स्कोर आ चुका है 11 के ऊपर 11 रन एक और 11। परेश चिखलेकर और दूसरी तरफ प्रवीण खरत यहां से देखना है मुकाबला बिल्कुल ऐसे मोमेंट में चल रहा है कि जिस तरह से ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम रीस के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी ऐसे बहुत से सवाल मैदान के बाहर से आ रहे हैं क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से सपने सजाए दोनों टीमों ने कि ये मुकाबला जीत कर हम आगे बढ़ेंगे। फुल टॉस थी बिल्कुल यहां से देखा जाए तो मिस टाइमिंग और इसी के साथ परेश के परिकर यानी कि देखा जाए तो गेंद काफी अच्छी थी बिल्कुल लॉलीपॉप दिखाई दे रही थी लेकिन यहां से मारने का रवैया कुछ अलग नजर आया मिस टाइमिंग स्ट्रोक में यानी कि इस गेंद के ऊपर मोहर होनी चाहिए थी 6/4 की लेकिन 6/4 नहीं बल्कि डब्लू की मोहर हो चुकी है यानी कि विकेट मिल चुका है विकेट नंबर 1। एक बड़ी सफलता यहां से बारक्या कामले को मिलती हुई बारक्या कामले के हाथों में एक बड़ा शिकार मिल चुका है और ऐसे में देखा जाए तो ठिकाणी खरोखरच मी बारक्या कामलेचा खेल पाहायला मिळतोय बरेच ठिकाणी पाहिलेला आहे तरी मनावसं वाटतंय अरे पाहिजेल तेवढ्या मी देईन तिरक्या तुलार पाहिजेल तेवढ्या देईन तिरक्या तुलार यो सामना जिंकून दाखव बारक्या मलार यो सामना जिंकून दाखव बारक्या मलार अरे पाहिजेल तेवढ्या देईन तिरक्या तुलार पाहिजेल तेवढ्या देईन तिरक्या तुलार यो सामना जिंकून दाखव बारक्या मलार यो सामना दाखव बारक्या मलार हे माझं वैयक्तिक मत आहे का बोलूय क्या बात है अप्रतिम बिल्कुल देखा जाए तो बारक्या के ऊपर काफी भरोसा है एकनाथ जिमाली का लेकिन यहां से देखा जाए तो बारक्या कामले भी काफी नायाब गेंदबाजी की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन यहां से लाइन से बैठ के बिल्कुल अतिरिक्त इशारा अंपायर की तरफ से। इस बीच एक गेंद लॉन्गर की तरफ से इस गेंद को खेला है परेश अरे प्रवीण घरत हा सामना जिंकून दाखव मलार प्रवीण घरत सामना दाखव मलार प्रवीण सामना जिंकून दाखव मलार यो प्रवीण सामना जिंकून दाखव मलार बिल्कुल देखा जाए तो यहां से अब आकाश गिरे हैं वन स्ट्राइक लेकिन बार क्या काम ले के नायब गेंदबाजी। इस बीच गेंद स्वीप का इस्तेमाल किया था कलाई के माध्यम से खेलना चाहा था लेकिन यहां से देखा जाए तो बिल्कुल 38 के अंदर गेंद को रोकने का प्रयास किया शॉट था लेग द्वारा लेकिन यहां से डॉट गेंद की समाप्ति कालुंद्रे वाला
की का मोठे वाला क्लीन बॉल। इसी के साथ एक और झटका। रागन काय भक्त सुरागन, अरे रागन काय भक्त सुरागन, तुझी दांडी ती उडवली वागन, क्या बात है लाजवाब गेंदबाजी बाहर के कामले के माध्यम से। यानी कि इस ओवर की बात करें तो पहले ओवर में आए थे 10 रन, लेकिन इस ओवर में आए सिर्फ 3 रन और यहां से 2 सफलता अपने नाम की बार क्या कामले ने लाजवाब यानी कि काफी बड़ा कमबैक यहां पर दिलाया है बारके ने। अब समीकरण की बात करें तो जीत के लिए 52 का लक्ष्य था, ऐसे में बची भी 12 गेंदे, अब 39 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 39 रन। देख सकते हैं ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के बाहर, यानी कि ड्रिंक्स ट्रॉली की बात करें तो बिल्कुल एक अजब ड्रिंक्स ट्रॉली यहां पर हम देख रहे हैं, जैसे कि गोवा में हम आए हैं ऐसा ही कुछ किस्सा, समुंदर के किनारे के ऊपर ऐसी गाड़ियां देखने को मिलती हैं और ये जो चलाने वाला है वो काफी एंजॉय करता होगा राजेश पाटिल, शायद उसे ऐसा ही महसूस हुआ होगा कि हम गोवा में तो नहीं है। लेकिन हमारे अनिल शेट्टी इनके भाई के लड़के हैं और ये जो एलईडी आप देख रहे हैं वो पूरे इंजीनियरिंग यहां पर उन्होंने किए, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि क्या कला है हमारे इस युवाओं के अंदर और उन्होंने दिखाया है, बिल्कुल ये सराहना करना चाहूंगा मैं इसकी, क्योंकि ये संकल्पना अच्छी है और शायद ये जाकर संकल्पना आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दौरान भी देख सकते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट में देख सकते हैं, क्योंकि लाजवाब ये होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए और ये सोच मेरे ख्याल से इस नव युवा की है जिन्होंने यहां पर यह संकल्पना दोहराई है, राजेश पाटिल और आमिर का भी उसका साथ उन्हें मिला है। लेकिन यहां से 12 गेंदों का खेल बचा है जीतने के लिए, 39 यानी कि 39 रनों की अभी भी जरूरत है और ये देखिए यानी कि देखा जाए तो जिनका इंतजार यहां पर हो रहा है। हेलो, या दरम्यान अपन ज्यांचे आतुरतेने वाट पाहत होतो ते पनवेलचे कार्य सम्राट आमदार प्रशांत दादा ठाकूर यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, मी सर्वांना विनंती करतो की जोरदार टाळ्यांच्या गजरात त्यांचा या ठिकाणी स्वागत करायचा। या ठिकाणी पनवेलचे कार्य सम्राट आमदार प्रशांत दादा ठाकूर यांचे या ठिकाणी आगमन होतंय फटाक्यांच्या आतिषबाजी मध्ये। हॅलो, लाईव्ह जीटीसी कॅमेरा फिरवायचा आहे आपला पाठीमागे। या ठिकाणी पनवेलचे विद्यमान आमदार प्रशांतदादा ठाकूर यांचा या ठिकाणी एकविरा ब्रास बँड 11 गेंदे जीतने के लिए 38 रन की अभी भी जरूरत है, एकात तो बड़े हिट आते हैं त्यांच्या गजरामध्ये त्यांचा या ठिकाणी स्वागत केला जात आहे। ही ओळख आहे अनिल पाटील मयूर पाटील आणि छत्रपती शिवाजी महाराज क्रिकेट संघ आणि जय हनुमान क्रिकेट संघ नेरे गावाची ओळख आहे। क्या बात है, ये होना चाहिए क्योंकि या ठिकाणी निश्चित साहेब आपण ज्यांची आतुरतेने वाट पाहत होतो ते पनवेलचे सर्वांचे कार्य सम्राट आमदार प्रशांत दादा ठाकूर यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। मी पुनश्चा फटाक्यांच्या आतिषबाजी मध्ये ब्रास बँडच्या तालावर खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी आमदार साहेबांचं स्वागत केलं जात आहे। मी साहेबांना विनंती करतो की आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हावा।
पनवेल चे कार्य सम्राट आमदार प्रशांत दादा ठाकुर यांचा या ठिकाणी आगमन होते मी छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट संघ जय हनुमान क्रिकेट संघ गावदेवी क्रिकेट संघ स्वर्गीय विनायक बुधाजी पाटील आणि स्वर्गीय मिलिंद विनायक पाटील स्मृति चषक 2018 मध्ये प्रशांत दादांचा या ठिकाणी मनाच्या अंतकरणापासून सहर्ष स्वागत करतो सर्व प्रेक्षकांना विनंती करतो की जोरदार टाळ्या परत एकदा आमदार साहेबांसाठी व्हायला पाहिजे डीजे ऑपरेटर यस आणि घेऊन चलतोय रायगड समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप पाटील यांच्या समवेत मैदानावर धन्यवाद सुरुवात करायची आहे धन्यवाद सर बिलकुल जिनका यहाँ पर जिनका इंतजार यानी कि देखा जाए तो तकरीबन 5 रातों से जिनका इंतजार हो रहा था और बिल्कुल आज वो समय आ चुका है और लंबा यहाँ पर वो पल यहाँ पर हमारे नजदीक आ चुका है क्योंकि पनवेल के कार्य सम्राट सम्माननीय विद्यमान आमदार प्रशांत दादा ठाकुर साहब इस मंच के ऊपर तशरीफ ला चुके हैं और उनके जानकारी के लिए ये जो मुकाबला चल रहा है एक तरफ एक कामोटा तो दूसरी तरफ एक कालुंद्रा बिग फाइट मुकाबला है सुपर एट का मुकाबला है जीतने वाली टीम सेमीफाइनल के दौर में पहुंच सकती है आने वाली गेंदे 11 और जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत मिस टाइमिंग हुए और इसी के साथ एक और झटका विकेट नंबर 3 यानी कि पूरी तरह से मुश्किल में आ चुके हैं बीच भोर में फंसती जा रही है इस समय कालुंद्र टीम जिस कालुंद्र टीम से ने बिल्कुल बारका कामले का आउट किया और उस वक्त उन्होंने जो सपने सजाए थे लेकिन उसके बाद पूरे सपनों के ऊपर पानी फेरा था परेश चिकले परेश मात्रे ने नायाब पारी खेली थी इसी मैदान के अंदर लेकिन यहां से वो टारगेट पहुंचाने में कामयाब रही थी कमोटा टीम तकरीबन 4 ओवर के बाद 51 के ऊपर जीतने के लिए 52 का लक्ष्य था और ऐसे में देखा जाए तो पूरी तरह से मुश्किल में डालने का प्रयास किया है कमोटा टीम ने गेंदों की बात करें तो जीतने के लिए 10 गेंदों का खेल बचा है और जीतने के लिए 38 रनों की अभी भी दरकरार 10 गेंदे 38 रन यानी एक आध दो बड़े हिट आते हैं तो निश्चित रूप में मैच में रोमांच बढ़ सकता है लेकिन प्रवीण घरत यहां पर ऐसा खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर अब पूरी जिम्मेदारी होगी इस मुकाबले की कालुंद्रा टीम का भविष्य प्रवीण घरत के हाथों में लेकिन यहां से कवर की तरफ से इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी लेकिन यहां से बिल्कुल दूसरे के लिए पलटे और देखते देखते यहां से देखा जाए तो रनआउट के रूप में आउट हुए पहले दौड़ते तो बिल्कुल रन बन सकता था हेलो स्टेज के समोर जो प्रेक्षक है अपन एक तो खाली बसायचं आहे अन्यथा अपन साइडला व्हायचं आहे प्लीज विनंती है सर्वांना एक तो खाली बसा नहींतर विनंती है सर्वांना खाली बसायला लाजू नका पहिली गगनगिरी ट्रॉफी झाली होती सोसायटीच्या मैदानावर महेश मात्रे खालीच बसला होता फक्त स्वतःमध्ये जिद्द होती म्हणून स्टेजवर आलो आपण ही जर केलं तर होऊ शकतं विनंती असेल आपण खाली बसा जर तुम्हाला लाज वाटत असेल तर मला सांगा मी तुमच्याबरोबर खाली बसतो बिलकुल महेश जी अभी तो बात ही अलग है क्योंकि होना चाहिए यहाँ पर आने वाला हर एक कलाकार है लेकिन आपने बात सही दोहराई है कि बिल्कुल आप यदि कोशिश करते हैं तो आप कौन सा भी शिखर तय कर सकते हैं बिल्कुल देखा जाए तो 9 गेंदों का खेल बचा है जीतने के लिए 37 रनों की अभी भी जरूरत है यानी कि देखा जाए तो रात के यहाँ पर 12:55 हो चुके हैं और ऐसे में चलता हुआ मुकाबला बिग फाइट हैरी तंगेज मुकाबला जीतने के लिए यहाँ से 9 गेंदों का खेल बचा है 37 रनों की अभी भी जरूरत बल्लेबाज प्रवीण घरत के ऊपर पूरी जिम्मेदारी इस पे चेक इन लेकिन यहां से कुछ फायदा यानी कि देखा जाए तो कवर की तरफ से इस गेंद को 3 खिलाड़ी आए लेकिन यहां से रन लेने की कोशिश नहीं की प्रवीण घरत ने क्योंकि वो जानते हैं ऐसे में एक रन से कुछ नहीं हो सकता है लेकिन यहां से जीतना है बीच भोर में फंसी हुई नैया को किनारे तक लाना है तो बड़े हिट खेलना होगा हवा का प्रभाव यानी कि ये देख रहे हैं आप क्योंकि जिस तरह से हवा का प्रभाव किस तरह से लहरा रहा है यानी कि यह आयोजन करता हूं कि एक सफलता मेरे ख्याल से कि बलून सभा में छोड़े उन्होंने और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हवा कहां बह रही है और उस हिसाब से आपको खेल करना पड़ सकता है यदि जीतना है यानी कि बची हुई है 8 गेंदे और 37 रनों के अभी भी दरकरार इस पीछे गेंद और यहां से देखा जाए तो बिल्कुल पूरी तरह से कामोटा टीम इस मैच के अंदर सिर का उकरती भी दिखाई दे रही है अब जीतने के लिए समीकरण की बात करें तो 7 गेंदे हैं और 37 रनों की जरूरत 7-37 यानी कि आप पूरी तरह से समस्याएं बढ़ रही हैं यानी कि देखा जाए तो प्रेशर आ रही है
टेंशन बढ़ रहा है इस समय कालुंद्रा टीम के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से कालुंद्रा टीम को शुरुआत होनी चाहिए थी वो शुरुआत नहीं हो पाई। पावर सर्कल के अंदर जो रन आने चाहिए थे वो यहां पर नहीं आए। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो बार क्या कामले की नायक गेंदबाजी, लेकिन यहां से प्रवीण घरत का अभी भी आग उगलता हुआ बल्ला यहां पर दिख रहा है। अरे यो बैट्समैन हुक में एका 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 कस मार लाई त्यान मार लाई उतुंग छक्का त्यान मार लाई उतुंग छक्का। बिल्कुल काफी बड़ा लंबा हिट लगाए हैं, छह गेंदों का खेल बचा है, जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। मेगा फाइनल की रात है, जश्न की रात है, और पूरी तरह से जश्न कौन मनाएगा ये बड़ा सवाल है। कल की बात करें तो कल भी कलंबोली के मैदान के ऊपर काफी बड़ा मंजर हमने देखा। स्वर्गीय आले बालाराम मात्र स्मृति चषक, जिनकी कल की अंतिम रात थी, काफी जश्न के साथ और रात भी थी, और उस बख्शिस के दौरान बिल्कुल वहां पर मंडप डेकोरेटर कालुंद्रे यानी आपल्या संघासाठी कांद्रे संघासाठी हार्दिक शुभेच्छा दिलेले आहेत। नूतन मंडप डेकोरेटर्स कांद्रे यांच्याकडून हार्दिक शुभेच्छा, विजयासाठी हार्दिक शुभेच्छा नूतन मंडप डेकोरेटर्स कांद्रे संघासाठी। तो बिल्कुल आज देख रहे हम यहां पर इस टूर्नामेंट के अंतिम रात और इस बख्शिस के दौरान हमारे कार्य सम्राट सम्माननीय प्रशांत दादा ठाकुर साहब भी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, बिल्कुल उनका भी स्वागत करते हैं। कल उन्हें कलंबोली में देखा मजा महेश जी, बिल्कुल उनके शुभ बातों से अंतिम मुकाबले करने के देखा जाए तो मेगा फाइनल का बख्शिस वितरण हमने देखा, और आज यहाँ पर क्या बात है, छह गेंदे जीतने के लिए 31 रन, शॉर्ट पिच थी लेकिन ये देखिए। लेकिन अब बिल्कुल प्रवीण यही चाह रहे हैं कि स्ट्राइक में खुद, अरे कशाला कशाला वेड़ेपना तू केलास रे, ए कशाला कशाला अगाऊपना तू केलास रे, धावता धावता फुकट तू रन आउट झालास रे, धावता धावता फुकट तू रन आउट झालास रे, धावता धावता फुकट तू रन आउट झालास रे। हॅलो, और रिस संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। रिस संघाचा संघनायक रनआउट तो हो चुके हैं, लेकिन अब गेंदों की बात करें तो पांच गेंदों का खेल बचा और 31 रनों की जरूरत, पांच गेंदे 31 रन, यानी कि इस मैदान के अंदर जीतने के लिए यदि जीतना है तो पांच गेंदों में 31, यानी कि बिल्कुल पांच छक्के मारा रे मारा, पांच छक्के लगाएंगे तो जाकर मुकाबला सुपर ओवर में आ सकता है। लेकिन एक मारा रे मारा, पांच छक्के मारा, पांच छक्के मार लगती, पांच छक्के नहीं बल्कि क्रिकेट है माली जी, क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल होता है। तेज संग तुम क्योंकि एक मुकाबला ऐसा भी हमने देखा था जो बिल्कुल जिस तरह से भिवंडी में हो, एक तो आ चुका है, एक आ चुका है। तो बिल्कुल क्योंकि इसी मैदान के अंदर केगांव विपक्ष नावड़ा का मुकाबला, छह गेंदों में 30 की जरूरत थी तो वो 30 बनाए थे गुड्डू ने, पांच छक्के लगाए थे, तो अब प्रवीण गरत को सिर्फ चार लगाने हैं, सिर्फ चार लगाने हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ चार लगाने हैं, एक तो लग चुका है। आप किसे देख रहे हैं कि क्या कॉमेडी कर रहा है, सिर्फ चार, ये 25 चाहिए, लेकिन यदि चार लगाते हैं बार क्या तो सुपर ओवर हो सकता है, और मैं कह रहा हूं कि सिर्फ चार लगाने हैं, ये सिर्फ यहां से कहा जा सकता है सिर्फ, लेकिन वहां अंदर में क्या होगा, प्रवीण गरत की क्या हालत होगी ये लगाने के लिए, यही मैं कहना चाह रहा था आपसे। लेकिन इसी मैदान के अंदर वो बने, यानी कि क्रिकेट में कुछ भी यहां पर देखा जाए तो नामुमकिन नहीं रहता है, बिल्कुल आपके अंदर हुनर टैलेंट होना चाहिए। लेकिन यहां से अब जीतने के लिए चार गेंदे बचे हैं, और ये देखिए इसमें ये दूसरा आ चुका है, अरे वाह, जावेगा मदे छक्का ठोकला,
अरे बॉल उड़ाला बॉल उड़ाला काशात आमचा बैटमन पिसाटीला बॉल उड़ाला काशात आमचा बैटमन पिसाटीला आमचा बैटमन पिसाटीला बाळे साहेब या ठिकाणी सैराट पिक्चरचे डायरेक्टर नागराज मंजुले असते तर निश्चित म्हणाले असते बघत काय रागन षटकार मारलाय वाघान क्या बात है बिल्कुल अब तीन गेंदे हैं और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत तीन गेंदे 19 रन ये है रायगढ़ के रॉस टेलर प्रवीण खरत बिल्कुल उम्मीद नहीं हार रहे हैं क्योंकि उम्मीद के बावजूद कुछ भी हासिल हो सकता है उम्मीद होनी चाहिए आपके अंदर हुनर होना चाहिए आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए तीन गेंदे 19 रनों की जरूरत फिर से एक बार गेंदबाज तैयार लेकिन यहां से देखा जाए तो हो क्या बात है ये कैच है इस टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच कहा जा सकता है लाजवाब हमारे अतिक दलवी भी 12 पड़े के लाइव देख रहे हैं और उन्होंने भी इस मुकाबले इस टूर्नामेंट के लिए रंगत रंगत आली ही मैच अतरंगत रंगत आली ही मैच त्या फिल्डरनी त्या फिल्डरनी घेतली याची ही कॅच त्या फिल्डरनी घेतली याची ही कॅच क्या बात है बिल्कुल सही बात दैवत या खेळाडूंसाठी एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे ज्यांना अप्रतिम जेल टिपला अब दो गेंदे बचे और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत 14 गेंदों में 28 की नया पारी खेली यानी कि देखा जाए तो मुकाबले में बिल्कुल पूरी तरह से सिरकाव करती हुई दिखाई दे रही है इस समय जय हनुमान काबोटे टीम लेकिन ये देखिए प्रवीण गरत को रुकना था लेकिन यहां से अभी भी उम्मीद कायम की है लेकिन यहां से देखा जाए तो गेंदों की बात करें तो बिल्कुल एक गेंद और 13 रनों की जरूरत क्या महेश पाटिल महेश मात्रे सर क्या मुकाबला हुआ और इस बीच एक गेंद बिल्कुल लॉन्गन की तरफ लेकिन 13 रनों से इस मुकाबले में सिकस दी वो ओवर यहां पर निर्णायक साबित हुआ हेलो रिस संगत हेलो रिस संगत